Now next one, substring method of string class. Substring method का use करके just किसी भी string से string का particular part of substring return करना या retrieve करना possible by using substring method. It is a one argument method. Substring के अंदर आपको argument supply करना होता है index. इसे आप जो भी index pass करो उसे index से लेकर end of the string तक का complete string है जा substring written होगा in the form of string representations. For example, suppose that अगर आपके पास कोई string available like ABC और A B C D E इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर आपको सब पार्ट रिक्वायर्ड है लाइक ओनली C D E के रिस्पेक्ट मत करें A का इंडेक्स क्या है 0 B का इंडेक्स क्या रहेगा B 1 2 3 4 अगर आपको C से लेकर E तक का सब स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है ना इस केस में C का इंडेक्स पास करोगे जा 2 सेम अगर आपको ओनली D रिक्वायर्ड है देन पास इंडेक्स पास करेंगे जा 3 अगर आपने इंडेक्स वैल्यू 0 पास किया देन इस केस में रिटर्न क्या हुआ ओरिजिनल स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स चेक करेंगे इस केस में 1 बाय 1 बाय यूजिंग गिवन एग्जांपल्स देन जस्ट इस मेथड का यूज किया है किस पर्टिकुलर केस में यूज करना पॉसिबल मैंने इसके लिए सेपरेटली केस प्रोवाइड किया सबसे पहले कंसोलिडेट करो आप ओनली गिवन 3 स्टेटमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्ट्रिंग क्रिएट किया इस केस में आएगा स्ट्रिंग s इक्वल्स टू a b c d e इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग के केस में टोटल कैरेक्टर्स कितने फाउंड देयर आर 5 कैरेक्टर्स आर अवेलेबल A, B, C, D, E. Index value is 0, 1, 2, 3, 4. Then, इस string का representation कौन कर रहा है? इसे इसको represent किसके through करो? By using reference variable S. Then, call के case में S dot substring. S dot substring के case में just method written क्या करेगा? Supply किया क्या किया इस case में 2. Then, second index या 2 index onwards written क्या हुआ? Remaining part of the string clear then 2 के रिस्पेक्ट में जस्ट बात करें 2 के केस में 2 इंडेक्स इसका c का तो c के जस्ट बाद रिमेनिंग कैरेक्टर्स कितने c d e फाइनली इस प्लेस पर और कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा string object or new string object cde then same string directly pass ke inside println method then println method ke through simply method message display ho jayega cde second case सेम सेकंड केस में डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू पास किया 0 देन 0 इंडेक्स से लेकर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न हुआ इस केस में 0 इंडेक्स मींस कंप्लीट ओरिजिनल स्ट्रिंग ये 0 इंडेक्स इसका a का a के बाद रिमेनिंग मींस स्ट्रिंग कब तक रिटर्न हुआ अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग फाइनली इस केस में रिटर्न क्या हो रहा है a b c d e इस टाइप से किसी भी स्ट्रिंग का सब पार्ट इंडेक्स सप्लाई करके रिट्रीव करना और एक्सेस करना पॉसिबल है देन व्हाट इज द यूज ऑफ सबस्ट्रिंग मेथड फॉर एग्जांपल्स सपोज अगर आप किसी भी स्टूडेंट और एम्प्लॉय का कंप्लीट नेम अवेलेबल है लाइक गिवन केस जैसे इस केस में एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया है देन इस केस में असाइन किया राजकुमार शर्मा दिस इज द फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम सपोज दैट इस पर्टिकुलर कंप्लीट नेम में से मुझे रिट्रीव क्या करना है ओनली लास्ट नेम और ओनली लास्ट नेम एक्सेस करना देन लास्ट नेम सबस्ट्रिंग और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का कॉम्बिनेशन यूज करके एक्सेस करना पॉसिबल है बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड क्या मींस इंडेक्स की बात करें व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ एस मींस अगर आपको शर्मा रिट्रीव करना देन मींस एस से लेकर रिमेनिंग पूरा पार्ट रिट्रीव करना देन आपको इस केस में रिक्वायर्ड क्या इंडेक्स वैल्यू ऑफ एस देन इंडेक्स एक्सेस करने के लिए आपके पास मेथड क्या लास्ट इंडेक्स ऑफ देन इस केस में अगर इंडेक्स काउंट करें 0 इंडेक्स स्टार्ट किससे होगा 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस केस में अगर एस के इंडेक्स की बात करें तो एस का इंडेक्स क्या है 10 तो फाइनली रिक्वायर्ड क्या है 10 इस केस में तो आपके लिए डायरेक्टली भी 10 पास करना पॉसिबल है बट सपोज दैट अगर वैल्यू रन टाइम पर कीबोर्ड से रीड हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू रीड हो रहा है देन हो सकता है उस केस में नेम कुछ भी हो या लास्ट नेम का बिगिनिंग इंडेक्स कुछ भी पॉसिबल हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में लॉजिकली इंडेक्स वैल्यू रिट्रीव करें बाय यूजिंग लास्ट इंडेक्स ऑफ तो इस केस में श्योर हो आप लामिस नेम के केसेस में मिडिल नेम और लास्ट नेम सेपरेट किससे हो रहे हैं स्पेस से देन इस केस में आपको ऑकरेंस किसका रिक्वायर्ड है लास्ट स्पेस का इंडेक्स वैल्यू और ऑकरेंस रिट्रीव करा मैंने बाय कॉलिंग नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस मींस इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में रिटर्न क्या हुआ स्ट्रिंग का और स्पेस का लास्ट इंडेक्स टोटल ऑकरेंस की बात करें तो इस केस में स्पेस के टोटल ऑकरेंस कितने हैं 2 लेकिन आपको ऑकरेंस कौन सा रिक्वायर्ड है लास्ट ऑकरेंस को रिट्रीव करने के लिए यूज किया करें लास्ट इंडेक्स ऑफ फाइनली इस केस में स्पेस का इंडेक्स रिटर्न हुआ इस प्लेस पर 9 लेकिन आपको रिक्वायर्ड क्या है स्पेस का इंडेक्स और एस का इंडेक्स इसलिए मैंने राइट क्या किया है +1 9 +1 becomes 10 तो फाइनली इस प्लेस पर
सब स्ट्रिंग के अंदर इस मेथड लास्ट इंडेक्स मेथड से रिटर्न क्या हो जाएगा, वैल्यू एज 10, देन फाइनली कॉल किया उसके इसमें नेम डॉट सब स्ट्रिंग प्लस इसके इसमें इंडेक्स क्या पास किया 10, देन मेथड रिटर्न क्या करेगा नेम से रिट्रीव क्या करेगा सब स्ट्रिंग फ्रॉम 10th इंडेक्स ऑनवर्ड्स। फाइनली इस प्लेस पर इस मेथड का रिजल्ट रिट्रीव क्या हुआ 10 इंडेक्स से फाउंड किया रहा एस एच ए आर एम ए इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, देन ये शर्मा साइन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एल नेम, देन एल नेम का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ इसके इसमें सिंपली शर्मा। वन मोर थिंग्स, देन नेक्स्ट केस में मैंने सप्लाई क्या किया निगेटिव इंडेक्स, अगर सपोज अगर इस सब स्ट्रिंग मेथड के अंदर अगर आप कोई भी इनवैलिड इंडेक्स पास करते हो निगेटिव वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू मे बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर इंडेक्स का वैल्यू या तो लेंथ से बड़ा या निगेटिव नंबर है देन उस केस में रेज होगा रन टाइम एक्सेप्शन कॉल्ड एज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मीन्स इसके इसमें रेज क्या हो रहा है रन टाइम एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम।